भैया नॉर्थ में रहने वाले हमारे साउथ के फैंस के लिए फाइनली आज वो मौका आ ही गया जिसका उनको बेसब्री से वेट था। अरे तो क्या करूं ना हूं? तलपति विजय की आने वाली मूवी वारिसु यानी वारिस का हिंदी ट्रेलर गोल्ड माइंस ने रिलीज कर दिया है। ये हुई ना बात। अब गोल्ड माइन एक ऐसी जगह है जिससे बॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स भी डरते हैं। मगर क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वो जिस जगह से ओरिजिनल माल उठाते हैं ये उसको ही सस्ते प्राइस टैग के साथ अपने चैनल पर बेच देते हैं, यानी वो जिस मूवी का रीमेक करते हैं ये उसी का हिंदी वर्जन रिलीज कर देते हैं। मुंह चढ़ाने का ये उनका अपना अलग स्टाइल है। अब इसी के यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुआ है वारिसु का हिंदी ट्रेलर जो वैसे तो दो दिन पहले आ गया था, लेकिन दादा बात ऐसी है ना कि हमने इसका रिव्यू तब इसलिए नहीं किया क्योंकि मालूम था कि हिंदी में आने वाली है, तो जब हिंदी में आ ही रही है तो कायदे से समझ बूझ के करेंगे रिव्यू। सबटाइटल वाला गेसिंग गेम क्यों खेले यार? गजब तू भी आज आदमी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, उसको भी जरूर फॉलो कर लेना। यहाँ फॉलो करते हो तो वहाँ भी कर लेना। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। तो देखो शॉर्ट में ये ट्रेलर मुझे अल्लू अर्जुन की अला वैकुंठपुरमलो की याद दिलाता है क्योंकि उसमें भी थोड़ी थोड़ी कहानी ऐसी ही लग रही थी। फिल्म के ट्रेलर में एक जॉइंट फैमिली है जहां तीन बेटे हैं। दो का तो इंट्रोडक्शन कराया जाता है लेकिन सबसे छोटे वाले का नहीं कराया जाता। रीजन ये है कि वो अपना हीरो है, हल्के में थोड़े आएगा। ये तो गलत है ना। तो इसका जीने का अपना अलग ढंग है। अब ये एक फैमिली ड्रामा कम एक्शन मूवी लग रही है जहां एक के बाद एक विलेंस आते हैं जिसमें प्रकाश राज की भी एंट्री होती है। बिजनेस और फैमिली के बीच में कई सारी प्रॉब्लम्स आती है और उससे निपटने के लिए बीच में आते हैं अपने तलपति विजय, क्योंकि फिल्म का नाम ही वारिस है तो जाहिर सी बात है इस बिजनेस और फैमिली के वारिस वही है। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। अब इन्हीं सब के बीच में रश्मिका से लेकर बाकी सपोर्टिंग कास्ट का भी इंट्रोडक्शन थोड़े थोड़े टाइम में दिया गया है क्योंकि सर 2.5 मिनट के ट्रेलर में तलपति को दिखाना ज्यादा जरूरी है। पिक्चर बेची ही उनके नाम पर जा रही है। अब क्या वो अपनी फैमिली को मुसीबतों से बचा पाएंगे और स्टोरी में कोई ट्विस्ट है या नहीं ये हमको 11 तारीख को मालूम पड़ ही जाएगा। ख्वाब दिखाता है मादर। वैसे तो साउथ की मूवीज मुझे अच्छी लगती हैं, लेकिन उन फिल्मों का हिंदी को लेकर सौतेला व्यवहार अपने को ठीक नहीं लगता। हिंदी ट्रेलर सबसे आखिरी में आता है। जब पैन इंडिया लेवल बेच रहे हो तो गुमटी पर पूरा माल एक साथ बेचो ना भाई, ये इंस्टॉलमेंट में क्या तरीका है? इंश्योरेंस पॉलिसी थोड़ी खरीद रहे तुमसे। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। ऊपर से हिंदी फैंस को भी कहीं ना कहीं लगता है कि यार हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन देखो मूवी का ट्रेलर देखकर लगता तो है कि फिल्म में फैमिली वैल्यूज वाला कंटेंट फैमिली ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकता है। ये वो एसेंस है जो हिंदी फिल्म में आजकल देखने को ज्यादा मिलता नहीं है। दूसरा, तलपति विजय का अपना एक फैन फॉलोइंग है जो इस ठंड में अकेली बची टी शर्ट बेच कर भी टिकट खरीदेगा, लेकिन देखेगा जरूर क्योंकि उसके लिए आंखें होने का मतलब यही है कि विजय की मूवीज देखना। उसकी टू डू लिस्ट यही है, Eat, Sleep, Watch विजय मूवीज, Repeat। मगर सबसे बड़ी बात है फैन वॉर। साउथ के फैन वॉर्स भी अलग लेवल के होते हैं। वहाँ अपने अपने स्टार्स के लिए कुर्ता फाड़ लेवल लड़ाई होती है। दरअसल इसी टाइम थलाजीत की थुनी वो भी रिलीज हो रही है। दोनों ही साउथ के बड़े सुपरस्टार्स हैं। ऐसे में ये कितना कमाएगी और हिंदी एरिया में इसको कितनी सारी स्क्रीन्स मिलेंगी ये देखने वाला होगा। आमला कभी नहीं देता है। बाकी देखने को आप हमारे YouTube चैनल का सब्सक्राइब का बटन भी देख सकते हो। सबसे अच्छी बात यह है कि उसको आप दबा भी सकते हो। कभी ट्राई किया है कि नहीं, इस बार करके देख लो। और हाँ, हमें टेलीग्राम पे भी जरूर फॉलो करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया होगा। बाकी मिलते हैं जल्दी। थैंक्स, लव यू।